आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज चार्ट का सेटअप जो आप लोग को अच्छी तरह से प्रॉफिट दे सकता है, तो आप लोग को ट्रेडिंग में काम पे आएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं निफ्टी, देखिए इससे स्विंग हाई बनाया था ऑलमोस्ट आज का दिन में ये थोड़ा सा एक दोजी कैंडल बना है, तो इधर हो सकता है ये नीचे आएगा क्योंकि इसका जो लो हुआ है ये इस लेवल के नीचे, मतलब 920 के नीचे ये इस लेवल तक आने का कोशिश कर रहा है, 11850 तक आने का कोशिश करेगा। तो इधर आर एस आई 40 का लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और इधर भी दोजी कैंडल भी बन गया है, तो देखना पड़ेगा ये किसी तरह कौन सा तरफ में जाएगा। और मेरा लेवल जो है वो मैंने बता दूंगा बाद में। और इधर निफ्टी बैंक का जो लेवल है निफ्टी बैंक में डेली चार्ट में देखिए ये भी एक दोजी कैंडल बना है, दोजी टाइप का कैंडल, तो इसको ये अनसर्टेनिटी होता है। तो इधर किसी भी जगह इधर से अप ट्रेंड में भी ये लेने का कोशिश करेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। इसका 31,000 के नीचे ये 31,702 में आ सकता है, उसके बाद 31,550, उसके बाद 31,300 तक ये आ सकता है, इधर से फिर से रिटेस्ट कर सकता है। और जो ऑप्शन चेन में देखिए ये निफ्टी का जो है ये मतलब 0.76 के आसपास है और इसका सपोर्ट बना है 12,000 में, कॉल साइड का सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में इसका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में इसका सपोर्ट है 11,800 में, इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ है, मतलब लॉन्ग बिल्डअप ज़्यादा होगा ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। और इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का है इधर पीसीआर रेशियो 0.70 के आसपास है, तो ये लगता है दोनों ही मेरे 0.50 पीसीआर रेशियो तक आएगा, मतलब नीचे आएगा, उसके बाद फिर रिटेस्ट करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। 31,500 में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में और पुट साइड में 31,000 में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने जो बैसल लेवल कम स्किनर और बैसल लेवल बना हो उसके थ्रू में मैंने लेवल दे दूंगा रात में, जो मैंने वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो, तो आप लोग को कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है वो आप लोग को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।